सो फाइनली बीएचयू का 103वां दीक्षांत समारोह आज समाप्त होने वाला है। आधे घंटे में जो पूरा ग्राउंड है एकदम खाली हो जाएगा। बड़ा ही यादगार पल बच्चों ने क्रिएट किए जो पूरे जीवन भर हमें याद रहने वाला है। हम लोगों ने कैमरे में कैद किया, अपने जहन में बसाया, बहुत कुछ सोचा, बहुत सारे लोगों के साथ अपनी यादें ताज़ा कर ली, अपने छात्र अपने बैचमेट्स के साथ मिलकर यादें ताज़ा कर ली और हमारे पूरे पाठ्यक्रम के मेहनत के अनुसार हमें प्रशस्ति पत्र दिया गया, डिग्री दिया गया, मेडल्स दिए गए। बहुत एक हर्षोल्लास का समय रहा जो हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक मेमोरीज के तौर पर और सुझाव के तौर पर, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बीएचयू के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी हैं। मैं चाहूँगा कि जब भी ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि जो भी होर्डिंग, पोस्टर्स, बैनर होते हैं उस पर मालवीय जी की जो फोटोज होते हैं उससे प्रायोरिटी दिया जाए, उसकी साइज को बड़ी रखी जाए। आज BCW का है, BCW के अपने पोस्टर्स लग गए हैं, मालवीय जी पैदल रखे गए हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर BHU का एफिलिएशन कॉलेजेस के साथ है तो ऐसे में जब भी सम्मान की बात आए तो मालवीय जी को ही सुप्रीम रखा जाए। साथ ही साथ जो एफिलेटेड कॉलेजेज हैं उनको भी उतनी ही सुविधाएं दी जाएं जितने BHU के FMC के लोगों को दिया जा रहा है। ये अब आपका इंटरनल मामला है कि फंड किसको कहां से जाता है, एफिलेटेड खुद अपना करेगा, FMC की फंड यहां से आती, इससे लेना देना, क्योंकि ये आपका मैटर है। आप लोगों ने एफिलेशन किया हुआ है और डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके कैंपस में हो रहा है तो आपकी जो व्यवस्था पहले दिन थी वो व्यवस्था BCW, AMPG, DAV और बाकी एफिलेटेड कॉलेजेस को भी एज इट इज मिलनी चाहिए जैसे FMC बच्चों को मिली थी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन कई स्थान पर किए गए, डेकोरेशन में भारी कमी नजर आई, जबकि भाई ये हमारा एक वार्षिक फेस्टिवल है, लाइक हमारे लिए पूरे वर्ष भर का मेहनत के साथ हमें डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है दीक्षांत समारोह के तौर पे। पूरा एक नेशनल व्यू बनता है, पूरे देश के लोग देखना चाहते हैं, अपने गार्जियंस के साथ बच्चे आते हैं सम्मान के तौर पर, अपने गार्जियन को दिखाते हैं कि देखिए हम आज इतनी बड़ी एक अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम डेकोरेशन में कमी ना रखें। जो व्यवस्था है जनरली पानी पीने की व्यवस्थाएं, खाने पीने की, कुछ इतने भाई हम हजार मतलब 10,000 लोग हैं, आपकी क्या इतनी फंडिंग नहीं है, हम इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्या हम इतना महसूस नहीं कर सकते कि हाँ भाई चलो वहाँ पे कम से कम पानी पीने का अच्छा व्यवस्था है, वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। अरे एक नॉर्मल चीज़ तो आप रख सकते हो ना एक स्केलअप के तौर पर कि हाँ ये चीज़ें हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो प्लीज़ हम लोग विश्वविद्यालय के ही हिस्सा हैं, अब हमारा अंत समय होता है जनरली डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, अपने अब आगे करियर के लिए देखेंगे कहीं और चले जाएंगे, लेकिन एक यादों के तौर पे हमें कुछ ऐसी चीज़ें व्यवस्थाएं भी मिलनी चाहिए जो हमेशा हमें भी यादगार बना दे, हम भी हमेशा उसको याद करें, मिस करें। तो प्लीज़ निवेदन है कि नेक्स्ट टाइम से जो भी स्पॉट बनाए गए हैं वहाँ डेकोरेशन बढ़िया हो, पहले बात तो डेकोरेशन मस्ट है, अच्छी की जाए, सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएँ, साथ ही साथ चाहे तो अपने मीडिया कवरेज के लिए प्रशासन खुद अपनी तरफ से व्यवस्थाएं कर सकती है, फोटोशूट के स्पॉट्स बनाए जाए यहाँ पे जो भी सेल्फी पॉइंट्स थे, बस कहने के लिए थे एक दो व्यवस्थाएं थी। पिछले साल की व्यवस्था से इस साल की व्यवस्था काफ़ी डल थी मेरे हिसाब से, 3 दिनों के एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैं एक ऐसा छात्र हूँ कि इन 3 दिन मैं यहाँ पर उपस्थित रहा, इसी बीच मेरी भी डिग्री मुझे मिली। तो निवेदन करूँगा बाकी जिन बच्चों को डिग्रियाँ मिल चुकी हैं अब आगे अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए आप देखो, ठीक है, अब आगे बढ़ो। मैंने 3 दिनों में पिछले इतने वीडियोस बनाए हैं और अपने बहुत सारे जो इमोशंस हैं, जो अपने सुझाव हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है और मैं आगे भी आपके लिए बहुत सारे सुझाव प्रेषित करता रहूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे देखें सुने जहां भी रहें, मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम मुझे लगता है इन 3 दिनों में हजारों लोगों ने मेरे साथ फोटोज लिए हैं, सेल्फी लिया है। बहुत सारे बच्चे जब मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं सर मैंने आप ही से पढ़ाई की है, सर हम वो पहले बैच के बच्चे हैं जिनको आपने सबसे पहले पढ़ाया था, या हम आपके वीडियोस देखते हैं, या आप एक यूट्यूबर के तौर पे सर आप पढ़ाते हैं ना, आप वही नीड सर हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप तक बीच में जाना चाहिए। प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आने वाले मेरे पूरे वीडियोज़ देखिए, क्योंकि मैं आने वाले कुछ ही 6-7-8 महीनों में कम से कम 3-4 और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने वाला हूँ, फिर मैं सभी को एक साथ पैरेलल कंपैरिजन करने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और अपना पूरा कन्वोकेशन का जो एक एक्सपीरियंस है इस कमेंट पे भरें। जो बच्चे भी कन्वोकेशन का हिस्सा रहे हैं वो कमेंट करें, अपनी जो भावनाएं हैं वो बताएं, BHU के साथ एक कैसा उनका पूरा समय रहा है 3 साल का 2 साल का वो कैसा रहा वो बताएं, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्या बदलाव होने चाहिए वो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में आप नॉर्मली मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप इस कमेंट में के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुँचाएं। ये वीडियो अगर कल BHU एडमिनिस्ट्रेशन देखता है
तो वो कमेंट पढ़े और उन्हें लगे कि हाँ ये गलतियां हुई हैं या ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे नेक्स्ट ईयर अपडेट करना चाहिए और एज इट इज फॉलो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बदलाव की जरूरत है, इसको बदल देना चाहिए। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पूरा जो BHU में एक ये पूरा अनुभव रहा बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत शानदार रहा होगा। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं।